हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इतने दिन आपकी दीपावली के हॉलीडेज चल रहे थे एंड आई होप आप सब ने दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। तो जब दीपावली की छुट्टियां हुई थी उससे पहले हम लेसन नंबर 12 कर रहे थे, जो थोड़ा बड़ा है, पार्ट बड़ा है, एक्टिविटीज ज़्यादा हैं। तो जो मेन एक्टिविटीज है जो एग्जाम में आएंगी वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम आगे की एक्टिविटी नंबर 4 ये हम सॉल्व करेंगे, जिसका केवल एक ही सवाल आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्टिविटी नंबर 4। तो देखिए, सबसे नीचे आपके लिखा हुआ है एक्टिविटी नंबर 4, जिसका क्वेश्चन है ए के अंदर, फर्स्ट द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द वर्ड्स प्रोनाउंस्ड बाय द टीचर एंड देन दे विल प्रोनाउंस द टुगेदर, जिसका अर्थ है कि सबसे पहले विद्यार्थी टीचर को सुनेंगे। कुछ शब्द है जो नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं, उनको पहले सुनना है टीचर के बाद में, और उसके बाद आपको भी उनका उच्चारण साथ में करना है। प्रनाउंस यानी उच्चारण, टुगेदर यानी साथ में। तो आगे की पेज में कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको पहले सुनना है और उसके बाद आपको उसका उच्चारण खुद को करना है। तो अभी हम क्लास में नहीं है तो आप सुन के खुद ही उसका उच्चारण करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर है लिव लीव। पहले मैं पूरे वर्ड्स पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके हिंदी अर्थ भी बता दूंगी कि क्या। देखो, पहला जो हम बोल रहे हैं लिव, ये हम फटाफट बोल रहे हैं, और लीव इसको हम ठहराव देख के और थोड़ा जोर डाल के बोल रहे हैं। तो इनके उच्चारण में ये फर्क है। लिव लीव, फिल फील, सिट सीट, इट ईट, हिट हीट, लिड लीड, शिप शीप, डिट डीट। तो बस ये इनका उच्चारण है। अर्थ मोस्टली कि आपको पता होगा, लिव यानी रहना, लीव यानी छोड़ना, फिल यानी भरना, फील यानी महसूस करना, सिट बैठना, सीट जो बैठने की जो सीट होती है उसको सीट बोलते हैं, इट यह, ईट खाना, हिट मारना या चोट पहुंचाना, हीट गर्म, लिड जिसका अर्थ होता है ढक्कन, और लीड जिसका नेतृत्व करना, शिप जहाज, शीप भेड़, डिड किया, डीड काम। तो इस तरह इनके प्रनाउंस जो प्रोनंसिएशन है इनका वो थोड़ा अलग अलग है। अब आपको बी वाला देखना है जो हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एड द वर्ड्स ऑफ द सिमिलर साउंड टू द ग्रुप एंड देन स्पीक। नीचे आपको जो येल्लो बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको इन खाली जगह के अंदर भरना है। भरना कैसे है आपको? आपको ध्यान रखना है ऐसे वर्ड्स आपको एक साथ लिखने हैं जिनका प्रोनंसिएशन सेम आ रहा है, जो प्रोनाउंस करने में सेम हो। जैसे दो दो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, बर्ड शर्ट नाइट लाइट नेस्ट रेस्ट डाई बाय प्ले डे लुक बुक। तो आगे हमें ये जो नीचे येलो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से वर्ड देखने हैं कि जो पहला बर्ड शर्ट है उसमें ये नीचे कौन से ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका प्रोनंसिएशन इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तीन तीन हमें छांट के लिखने हैं। इजी आपके लिए यह रहेगा कि वो जो तीनों वर्ड है वो एक साथ लिखे हुए हैं, तो आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इनको फिल कर दिया है। तो देख सकते हैं हम पहला बर्ड शर्ट कर्ड हर्ड लर्न, ये सब बोलने में सेम आ रहे हैं, बर्ड शर्ट कर्ड हर्ड लर्न। इसी तरह दूसरा आप देखिए, नाइट लाइट टाइट फाइट साइट, इनका जो प्रोनंसिएशन है वो एकदम सेम आ रहा है। तो इस तरह हमें ये सॉल्व करना है। बहुत इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
और नेक्स्ट ईयर भी आपके सेम ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। साउंड्स बोलते हैं इनको, बेसिकली इनको साउंड्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए आप तीसरा, नेस्ट, रेस्ट, टेस्ट, बेस्ट, गेस्ट। ये मैंने नीचे जो येलो बॉक्स है उसी में से छांट के मैंने इसके अंदर लिखे हैं। टास्क अपना यही है कि हमें इसमें से छांट के इन खाली जगहों के अंदर हमें फिलअप करना है। इसके बाद फोर, जो चार नंबर है आपका, वो देखिए जिसमें लिखा हुआ है डाय, बाय, बाय, टाय, लाय। इसी तरह पांचवा आप देखेंगे, पांचवे के अंदर हम चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए पांचवा हो जाएगा प्ले, डे, से, मे, अवे और रे। ये सारे वर्ड्स एकदम सेम आ रहे हैं बोलने के अंदर, यानी इनका प्रोनंसिएशन एकदम सेम है। सबसे लास्ट में है नंबर सिक्स, लुक, बुक, टुक, कुक, फुल। अब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि बाकी सब में डबल ओ है, लास्ट में के है, ऐसा नहीं। प्रोनंसिएशन देखिए आप, लुक, बुक, टुक, कुक, फुल। हमने इसको फूल नहीं पढ़ा, फुल। तो इस हिसाब से इन सब का प्रोनंसिएशन क्या हुआ, एकदम सेम हुआ। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज हैं जो क्लास में करने वाली है मोस्ट ऑफ, तो हम इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 13, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।